बालों को कलर करना है बालों की लिफ्टिंग करनी है कौन सा वॉल्यूम यूज़ किया जाए जो भी कलर बालों में किया जाता है उसके शेड के मुताबिक वॉल्यूम को यूज़ किया जाता है और वॉल्यूम हमें कितने टाइप के मिलते हैं और कौन से वॉल्यूम को किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है आज के इस पूरे वीडियो में यही सीखने वाले हैं डेमो के लिए मैंने रियल वाले जो हैं वो बाल लिए हैं कटिंग वाले ठीक है और लेवल मैंने थ्री लिया है और इनके ऊपर ऊपर मैंने रबड़ के साथ जो है वो पोनीस बना लिए हैं और अब आपकी आसानी के लिए मैंने फोर टाइप्स के डेवलपर्स यानी जितनी भी हमारी कंपनीज़ होती हैं चाहे वो लोरियल है श्वासकोफ है या फर्मेजी है या क्यूने है कोई भी ब्रांड है ठीक है वो फोर टाइप्स के डेवलपर्स हमें प्रोवाइड करती है वॉल्यूम्स में हमारा टेन वॉल्यूम आता है ट्वेंटी वॉल्यूम आता है थर्टी वॉल्यूम आता है फोर्टी वॉल्यूम आता है जो हमारा टेन वॉल्यूम होता है उसमें हाइड्रोजन पोरक्साइड जो है वो थ्री परसेंट होता है ट्वेंटी में सिक्स परसेंट होता है थर्टी में नाइन परसेंट होता है और जो हमारा फोर्टी वॉल्यूम होता है उसमें ट्वेल्व परसेंट हाइड्रोजन प्रोक्साइड पाया जाता है और हाइड्रोजन प्रोक्साइड हमारे बालों को लिफ्टिंग करने में हमारी बहुत हेल्प करेगा जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना ही ज़्यादा हमारे बालों की लिफ्टिंग ज़्यादा होगी अब हमने मयरिंग के लिए एक स्पून लिया है एक स्पून पाउडर ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जा रहा है और उसमें जो है वो वन इन अ हाफ़ यानी कि डेढ़ चम्मच जो है ना सेम चम्मच जो है उसका डेवलपर यूज़ किया जा रहा है ठीक है पहले बॉल में मैंने टेन वॉल्यूम डाला है दूसरे में ट्वेंटी डालूंगी तीसरे में थर्टी डालूंगी और जो हमारा चौथा बॉल है उसमें हम फोर्टी डालेंगे हमने डिफरेंट बॉल्स में डिफरेंट डवेल्परस को इसलिए जो है वो मिक्स किया है ताकि हम हर एक का अलग अलग रिज़ल्ट देख सकें और अब हम स्टेप बाय स्टेप टेन वॉल्यूम को फर्स्ट में यूज़ करेंगे ठीक है ऊपर मैं बोतल भी रख दूंगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम यहाँ पर टेन वॉल्यूम यूज़ करें टेन वॉल्यूम को हम ज़्यादातर बालों में कलर को डिपॉजिट करने के लिए टोनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं और ये वन से टू लेवल हमारे बालों को लिफ्ट भी कर सकता है और हमारा जो 20 वॉल्यूम होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला 20 वॉल्यूम होता है क्योंकि ये हमारे बालों पर अगर वाइट कवरेज का प्रॉब्लम हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करता है और सबसे बड़ी जो इसकी 20 वॉल्यूम की क्वालिटी है वो ये है कि हमारे बालों अगर लाइट एंड डार्क है पैचिंग है तो इस वॉल्यूम को यूज़ करने के बाद हमारा बाल ईमन हो जाता है और जब भी हमें लिफ्टिंग की ज़रूरत होती है तो हमें थर्टी वॉल्यूम डेवलपर की नीड होती है ये ऐसा डेवलपर है कि जो हमारे बालों को कम डैमेज करता है कम ड्राई करता है और लिफ्टिंग अच्छी देता है और मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आप बालों को प्री लाइट करना चाहते हो बालों को हाई लिफ्ट करना चाहते हो टेन लेवल लिफ्ट करना चाहते हो तो हमेशा थर्टी वॉल्यूम के साथ ही बालों को लिफ्टिंग करें ठीक है क्योंकि थर्टी वॉल्यूम जो है वो आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है और सबसे लास्ट में जो हमारे पास डेवलपर आता है वो है हमारा 40 वॉल्यूम डेवलपर फोटी वॉल्यूम डेवलपर ऐसा डेवलपर है कि अगर आप डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर करना चाहते हैं कोई भी तो उसमें आप इस डेवलपर को यूज़ कर सकते हो ठीक है क्या? और ये है कि अगर आप कट डाउन के मटेरियल में इसको यूज़ करते हैं तो इसको आप हमेशा अवॉइड करें क्योंकि ये काफ़ी तेज केमिकल के साथ यानी कि ट्वेल्व परसेंटेज इसमें हाइड्रोजन परोक्साइड मौजूद होता है तो ये आपके बालों को डैमेज कर सकता है इसलिए लिफ्टिंग के लिए यानी ब्लीच के साथ इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करें और उम्मीद करते हैं कि जस्ट आधा घंटा ही लगेगा क्योंकि हमने साथ के ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया है यानी कि अमोनिया यूज़ किया है तो ये बहुत जल्द हमें रिज़ल्ट देगा और आधा घंटा गुजर जाने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिला है तो ये देखें जी ब्लीचिंग पाउडर के साथ डेवलपर्स को मिक्स करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिले हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी के वो आप लोगों के सामने हैं अब यहाँ देखें कि टेन लेवल ने ब्लीच पाउडर के साथ मिलके कितनी अच्छी लिफ्टिंग की है ठीक है अगर आपको इस लेवल का रिजल्ट चाहिए तो फिर आप अपने बालों को टेन वॉल्यूम के साथ भी लिफ्ट कर सकते हो ट्वेंटी ने हमारे बालों को कितना अच्छा इवन किया है ठीक है और थर्टी वॉल्यूम ने हमारे बालों को अच्छी लिफ्टिंग दी है और फोर्टी वॉल्यूम ने, काफ... ने काफी फोर्टी वॉल्यूम ने काफ़ी ज़्यादा हमारे बाल को लाइट कर दिया है ठीक है लेकिन लाइट करने के साथ साथ ये बालों को ड्राई और डैमेज कर देता है यानी कि बाल अगर आप के साथ ब्लीच को यूज करोगे तो बाल टूटना शुरू हो जाता है और अब आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो मुझे अच्छे से पता चल गया है क्योंकि आप इस टाइम सोच रहे हो कि ये लिफ्टिंग तो आपने कर दी लेकिन टेन लेवल लिफ्टिंग तो इसमें किसी भी प्रोडक्ट ने किसी भी वॉल्यूम ने नहीं की तो वो हम कैसे करें टेन लेवल लिफ्टिंग के लिए अगर आपका बाल वन टाइम में लिफ्ट नहीं होता है टेन लेवल बहुत मुश्किल होता है कि टेन लेवल तक हमारा एक डवेलपर जो है थर्टी हो या फोर्टी हो वो टेन लेवल तक लेकर नहीं जाता बाल को ठीक है कोई बाल होता है जब ऑलरेडी पहले से ही लाइट होता है तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है या पतला होता है वो हो भी जाता है ठीक है लेकिन अगर आपको बिल्कुल टेन लेवल लिफ्टिंग चाहिए तो आपको दो बार ब्लीच करनी होती है ठीक अब हम ब्लीच लगाने के बाद आधा घंटा फिर से वेट करेंगे और फिर दिखाएंगे कि आपका बाल जो है वो कितना लिफ्ट किया दो बार ब्लीच करने के बाद जो है वो हमारा बाल बिल्कुल जो है वो टेन लेवल तक जो है वो जा चुका है ठीक है उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और लाजमी कमेंट करके बताइएगा आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है इजाज़त दीजिए दुआओं में हमेशा याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़